Hello friends, welcome back to Ever Study Classes. As you all know that we are running a 5-minute series on our platform and the topic for today's discussion is aging schedule. Aur ye topic important hai UGC NET paper 2 commerce aur management ke liye. To aage badhne se pehle main aapko hamare aur courses ke bare mein bhi bata deti hu jo hai unit snapshot notes, unit wise past papers jo ki completely explained hai. टेस्ट सीरीज प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स फुल वीडियो कोर्स और पेपर टू कोर्सेज कॉम्बो और इसके साथ पेपर वन यानी जनरल पेपर का भी मिनी कॉम्बो पैक आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जो है www.everstudy.co.in। चलिए फ्रेंड्स, तो अब डिस्कस करेंगे व्हाट डज एन एजिंग स्केड्यूल मीन। तो फ्रेंड्स, एजिंग स्केड्यूल एक अकाउंटिंग टेबल है या कह लें आप कि एक अकाउंट रैंकिंग है कंपनीज को ये दिखाने के लिए कि वेदर पेमेंट्स जो होनी है बाय देयर कस्टमर्स वो टाइमली हो रही है या नहीं। और जनरली इन स्केड्यूल्स का टाइम फ्रेम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अंडर 30 डेज या फिर पास्ट ड्यू फ्रॉम 1 to 30 डेज टाइम पीरियड या फिर पास्ट ड्यू फ्रॉम 30 to 60 डेज और मोर देन 90 डेज पास्ट ड्यू। ऐसे एजिंग स्केड्यूल से कंपनीज को हेल्प मिलती है इन स्पॉटिंग द कैश फ्लोज प्रॉब्लम इससे पहले कि कंपनीज में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं डिस्कस करूंगी हाउ डज एन एजिंग स्केड्यूल वर्क्स। तो फ्रेंड्स, एजिंग स्केड्यूल हेल्प करता है इन कैटेगराइजिंग डिफरेंट अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइम ब्रैकेट्स जैसे कि करंट टाइम पीरियड या फिर अंडर 30 डेज और 1 to 30 डेज पास्ट ड्यू और 60 to 90 डेज पास्ट ड्यू और मोर देन 90 डेज पास्ट ड्यू। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो टाइम ब्रैकेट है ये हमको हेल्प करते हैं इन कैलकुलेटिंग द एजिंग स्केड्यूल। ओके, और यही हमको हेल्प करता है कि हमारा कंपनी का कैश फ्लो कैसा चल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाय यूजिंग दिस एजिंग स्केड्यूल कंपनी को पता चलता है कि कितने बिल्स ओवरड्यू हैं और ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिनको हमें पेमेंट रिमाइंडर्स अभी सेंड करना बाकी है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ कि टाइम ब्रैकेट्स में हम अमाउंट कैसे एंटर करेंगे एंड होपफुली ये एग्जाम्पल भी आपको उस टाइम ब्रैकेट के साथ ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स ये जो अंडर 30 डेज का होता है। ठीक है, इसको आप नो ड्यू येट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 30 डेज हमारे क्रॉस नहीं होते हैं। जो भी हमारा रिकवरी होता है अभी वो 30 डेज के अंडर पहले पहले ही चल रहा होता है, मतलब कि बिफोर 30 डेज से पहले पहले ही जो हमारा रिकवरी पीरियड चलता है उसको हम कहते हैं अंडर 30 डेज या फिर नो ड्यू येट। ठीक है, तो अब फॉर इंस्टेंस मैंने कस्टमर को क्रेडिट दिया है ऑन दिसंबर 15 2018 को और उसकी रिकवरी डेट रखी थी मैंने दिसंबर 31 2018 की। ठीक है, तो अब अगर मैं दिसंबर 15 से दिसंबर 31 के डेज काउंट करूंगी तो वो आएगा कितना, 16 डेज का, यानी कि अभी ड्यू नहीं हुआ है वो अमाउंट क्योंकि 30 डेज का टाइम ब्रैकेट कंप्लीट नहीं हुआ है इसीलिए। ठीक है, 30 डेज का टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है इसीलिए वो टाइम ब्रैकेट आएगा अंडर 30 डेज और नो ड्यू येट के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करूंगी 1 to 30 डेज में। ठीक है, तो इसमें फॉर इंस्टेंस अगर मैंने अपने किसी कस्टमर को क्रेडिट दिया है ऑन द डेट नवंबर 15 2018 को एंड अगेन उसकी रिकवरी डेट रखी थी मैंने दिसंबर 31 2018 की। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स नवंबर 15 के जो रिमेनिंग 15 दिन हैं उसको मैं काउंट करती हूँ और प्लस जो दिसंबर के पूरे 31 डेज हैं। ठीक है, तो इन टोटल मेरे पास कितने डेज हैं, 46 डेज। और इसमें से मैं देखूंगी 46 डेज में से, यानी कि 30 डेज का टाइम पीरियड तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और रेस्ट जो 16 डेज बाकी हैं तो वो जो अमाउंट है उस 16 डेज में रिकवर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो अमाउंट अभी 16 डेज के लिए ड्यू हो चुकी है तो वो किस टाइम ब्रैकेट में आएगा, 1 to 30 डेज के टाइम ब्रैकेट में। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम 31 to 60 डेज का और ऐसे ही ओवर 90 डेज का कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया है एबीसी इनकॉर्पोरेशन का, ले लीजिए आप एग्जाम्पल। यहाँ पे इसका टोटल ड्यू दिखा रहा है 10,000। ठीक है, तो 10,000 हमारा कैसे कैसे और कौन कौन से ब्रैकेट में फॉल कर रहा है टाइम ब्रैकेट में, तो जैसे कि अंडर 30 डेज में वो आएगा 8,000 में आ रहा है। ठीक है, और 1 to 30 डेज का आ रहा है 2000 में। ठीक है, तो इन टोटल उसका 10,000 हो गया। तो ऐसे ही XYZ कंपनी का हुआ है और ऐसे ही
लैंड कंपनी का, ठीक है। तो ये थे हमारे एजिंग स्केड्यूल और उसके टाइम ब्रैकेट्स। चलिए फ्रेंड्स, तो अब डिस्कस करेंगे हम बेनिफिट्स ऑफ एजिंग स्केड्यूल को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया टाइम ब्रैकेट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स इन्हीं टाइम ब्रैकेट्स से कंपनीज को अपनी जो है पेंडिंग लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है। बस सिंस कैश फ्लो इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस, तो फ्रेंड्स कैश फ्लो अगर नेगेटिव होगा तो किसी भी बिजनेस में डाउनफॉल आना ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अगर कैश फ्लो, आप मान लें अगर आपका ज्यादा क्रेडिट में जा रहा है आपका अकाउंट, तो ऑब्वियसली वो कैश फ्लो क्या है, नेगेटिव है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एजिंग स्केड्यूल क्रेडिटर्स को हेल्प करता है इन इवेल्युएटिंग द अकाउंट्स एंड नोइंग देम कि वेदर दे हैव टू कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद अ कंपनी और नॉट, या फिर उनको उसी कंपनी के साथ डील करनी चाहिए या मनी और लेंड करना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब बात करें अगर हम ऑडिटर्स की, तो फ्रेंड्स ऑडिटर यूज करते हैं एजिंग स्केड्यूल को फॉर इवेल्युएटिंग देयर फर्म्स रिसीवेबल। अगर कोई सेम कस्टमर है जिसका पास ड्यू में रिपीटेडली नाम आ रहा है, तो कंपनी एक बार फिर से री इवेल्युएट कर सकती है वेदर टू कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद देम और नॉट। अब जैसे कि कुछ बिजनेस है, फॉर इंस्टेंस रिटेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो एजिंग स्केड्यूल हेल्प करता है इन टेकिंग आउट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो से रिलेटेड किसी भी कंपनी में अगर कुछ भी इशू होता है, तो एजिंग स्केड्यूल हेल्प करता है इन ओवरकमिंग विद दैट प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए हमारा बेनिफिट्स ऑफ एजिंग स्केड्यूल। सो फ्रेंड्स, ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अपने आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमको पता चल सके कि आज का सेशन आपको कितना समझ आया और कितना हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज www.evstudy.co.